बिग बॉस 17 विनर मुनव्वर फारूकी विवाद में आ गए हैं। सोशल सर्विस ब्रांच ने बीती रात मुंबई के फोर्ट इलाके में स्थित सबालन हुक्का पार्लर में रेड के दौरान कुछ लोगों को हिरासत में लिया। इन लोगों में मुनव्वर भी थे। पुलिस को जानकारी मिली थी कि पार्लर में तंबाकू प्रोडक्ट्स के साथ निकोटीन का उपयोग हुक्का पार्लर में किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। वहीं अगर तंबाकू प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं तो पुलिस द्वारा सिगरेट एंड टोबैको एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। हालांकि मुनव्वर फारूकी को नोटिस देकर रात में ही घर जाने दिया गया। मामले में अब तक मुनव्वर की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि जब पुलिस ने फोर्ट में चल रहे हुक्का पार्लर पर छापा मारा तो मुनव्वर फारूकी मौके पर मौजूद थे। टेस्ट के दौरान वो भी पॉजिटिव पाए गए, क्योंकि ये एक संगीन अपराध है। इसके लिए उन्हें दंडित करके छोड़ दिया गया है। फारूकी पर सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादक अधिनियम 2003 और कोटपा 2003 के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन पर कई दूसरी धाराएं भी लगाई गई हैं। ये पहला मौका नहीं है जब मुनव्वर का नाम विवादों में आया है। इससे पहले उन्होंने 2021 में इंदौर में एक स्टैंड अप कॉमेडी इवेंट के दौरान भगवान राम के बारे में कुछ असंवेदनाशील टिप्पणी करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। मामले में लगभग उन्हें 35 दिन जेल में गुजारे थे। जेल से बाहर आने के बाद भी उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। फिलहाल आपका इस पर क्या कहना है, हमें अपनी राय कॉमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।